कबीरदास जी, कबीरा, चारों तरफ कबीरदास जी का नाम चल रहा था, चारों तरफ कबीरा का नाम चल रहा था, कबीरदास संत, कबीरदास संत, कबीरदास जी ऐसे, कबीरदास जी ऐसे, चारों तरफ काशी में सूचना कबीरदास जी बहुत पहुंचे हुए संत हैं। काशी का नरेश भी कबीरदास जी को आदर करता था, सम्मान करता, सत्कार करता, कबीरदास जी के आदर में लगा रहता। कबीरदास जी आए हैं, सिंहासन दिया जाता, आदर किया जाता, सम्मान दिया जाता, माला पहनाई जाती कबीरदास जी को। कबीरदास जी ने सोचा मेरी जिंदगी नरक कर देंगे ये सब मिलकर, ये सब मेरे जीवन को नष्ट कर देंगे। एक दिन कबीरा ने बस एक रंग की मिली हुई पानी की बॉटल उठा ली और अपने बंधुओं से कह दिया, एक काम करोगे, मेरी प्रसिद्धि ज़्यादा हो गई है इसलिए मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर लड़खड़ा कर चलूँगा, लोगों को लगेगा कि मैं बिगड़ चुका हूँ और लोग मेरे से पीछा छुड़ा लेंगे, पीछा छुड़ाएंगे फिर मैं भगवान के भजन में लगना प्रारंभ हो जाऊँगा, अगर ये पीछा नहीं छुड़ाएंगे तो भजन नहीं हो पाएगा, भजन नहीं हो पाएगा मेरा। कबीरा ने अपने साथियों के कंधे पर हाथ रखा, हाथ में रंग की पानी की बॉटल हाथ में रख ली और लड़खड़ाता हुआ कबीरा जाने लगा। पूरे गांव के लोग थू थू करने लगे, बताओ गजब कर दिया जी, गजब कर दिया जी, गजब कर दिया जी, इतने बड़े विद्वान संत, इतने बड़े पहुंचे हुए संत, इतनी विद्वत्ता रखने वाले, इतना लोगों को ज्ञान देने वाले और ऐसा काम कर रहे हैं। सारे गांव के लोग थू थू करने लगे। राजा के पास सूचना गई, राजा ने कबीरा को बुलाया तो कबीरा वहां भी वो रंग की बॉटल लेकर, पानी की बॉटल लेकर दोस्तों के कंधे पर, सखाओं के कंधे पर और शिष्यों के कंधे पर हाथ रखकर चल दिए। हाथ रखकर गए कबीरदास जी। राजा ने कहा, तुम इतने पहुंचे हुए संत हो, इतने विचित्र साधु हो, इसके बाद भी ये गंदा काम कर रहे हो? हमने तुम्हारा सम्मान करा, आदर दिया, सत्कार किया, ये तुम क्या कर रहे हो? और राजा ने भी शब्द कहना प्रारंभ करे, दुनिया के लोग थू थू करने लगे, अब शब्द कहने लगे, ताने देने लगे। इतनी देर में कबीरा ने हाथ की पानी की बोतल का पानी नीचे फेंका, कालीन कीमती था, करोड़ों के कालीन पर जब वो पानी फेंका, कबीरदास ने हाथ से उस पानी को मचाना प्रारंभ कर दिया, मचाना प्रारंभ करा कबीरा ने उस पानी को मचाना प्रारंभ करा। जब पानी को मचाया गया तब राजा को क्रोध आ गया, मेरे करोड़ों के कालीन को ये बताओ इसने गंदा कर दिया, करोड़ों के कालीन को गंदा कर दिया, ये तो नशे में धुत है, इसको तो शुद्ध नहीं, ले जाओ इसको बाहर। राजा ने बाहर भगा दिया। बाहर गए, कबीरा ने अपने सखाओं से कहा, अपने शिष्यों से कहा, तुमने मेरी लाज बचा ली, मेरी प्रसिद्धि बहुत हो गई थी, लोग मुझे पूछते बहुत थे, भगवान की तरह मानने लगे थे, पर तुमने मेरी लाज बचाई, अब लोग मुझसे नफरत करते हैं तो मैं एकांत में बैठकर भजन कर सकता हूं, ये प्रभु की कृपा है। एक दिन कबीरा एक कमरे में बैठकर भगवान का भजन कर रहा था। राजा बड़ा विद्वान था काशी का राजा बड़ा विद्वान था। राजा ने कबीरा को देखा और कबीरा अलमस्त होकर भगवान के भजन में लगे थे, तो राजा कबीरा के पास पहुंच गए। महाराज बहुत चतुर हो तुम, बहुत चतुर। कबीरा ने पूछा राजा से, क्या बात है महाराज, क्या हो गया, काय का चतुर, मैं तो पीने लगा, गलत हो गया, गंदा हो गया और तुम कह रहे हो चतुर। अरे महाराज मैं सब जानता हूँ, तुम्हारी प्रसिद्धि सब जगह हो गई थी, तुम भजन नहीं कर पा रहे थे इसलिए तुमने अपने आप को बदनाम करवा लिया और तुम भजन में लग गए, अपने आप को तुमने बदनाम करवा लिया और तुम भजन में लग गए, पर एक बात पूछना चाहता हूँ। राजा कहता है, मेरे यहाँ आप खड़े थे, कालीन पर तुमने पानी फेंक दिया था, मैं जानता था वो मदिरा नहीं थी, पानी था, कालीन पर तुमने पानी फेंक कर मेरे कालीन को तुमने गंदा क्यों करा, वो तो बताओ कि हाथ से तुम क्या कर रहे थे। कबीरदास जी ने कहा, राजा तू मुझे पहचान गया, किसी को बोलना मत ही, नहीं तो लोग फिर मेरे पास आने लगेंगे। राजा जिस समय मैं तेरे भवन में खड़ा था तो जगन्नाथ मंदिर में आग लग गई थी, जगन्नाथ मंदिर में रसोई घर के अंदर आग लग गई और रसोई घर के अंदर आग लगी, वहां कोई बुझाने वाला नहीं था, तुरंत मैंने उस आग को बुझाया
राजा हंसने लगा, कहां की बात करते हो, अब लगता है कि तुम पक्के में नशे में हो, पक्के में। राजा ने कहा ऐसा हो सकता? राजा ने अपने दूतों को भेजा, जाओ जरा पता करो जगन्नाथ मंदिर में इतनी तारीख को इतनी बजे इतने समय पर क्या आग लगी थी और बुझाई किसने। तब जाकर दूतों ने मालूम करा कि जगन्नाथ मंदिर के रसोई घर में आग लग गई थी, कोई नहीं था, लोग पानी ढूंढ रहे थे, ना जाने कहां से पानी की वर्षा हो गई अंदर और पूरी की पूरी आग बुझ गई, पूरी की पूरी आग समाप्त हो गई। जब जाकर दूतों ने राजा से कहा, राजा ने जाकर कबीरा के चरण पकड़ लिए, कबीरदास तेरी जैसी भक्ति दुनिया में कोई नहीं कर सकता, कौन करेगा।